अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा ट्रैवल शुरू है क्वेटा से शीलाबाग तक का, और आज हम बर्फ़बारी देखने के लिए जा रहे हैं। तो आज का हमारा व्लॉग है क्वेटा टू शीलाबाग फ्रॉम एंजॉय स्नोफॉल। हम क्वेटा रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुके हैं। अगला रेलवे स्टेशन हमारा बलीली होगा। देखते रहे वीडियो को, एंजॉय करते हैं वीडियो को। बलीली रेलवे स्टेशन पे हम पहुंच गए हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, मौसम बड़ा ही खुशगवार मौसम है। चमन पैसेंजर ये आपके सामने है। इब्राहिम भाई हमारे साथ हैं। इब्राहिम भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है आपको? प्यारा रोमांटिक वेदर है आज। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, वो भी ट्रैवल कर रहे हैं, जो कराची से आए हैं मेहमान। तो ओ, बिल्डिंग कब बनाए? बलीली रेलवे स्टेशन से हम गुजर रहे हैं। अब हमारा मूड चाय पीने का है, तो हम चाय पीते हुए आपको दिखाते हैं। ये इब्राहिम भाई चाय पी रहे थे, ये हमारे कुछ मेहमान कराची से आए हैं, ये भी हमारे व्लॉग का हिस्सा है, ये हमारे अतौल्ला भाई विजेश हैं। तो दोस्तों, अब हम कुचलाक रेलवे स्टेशन पे इंटर हो रहे हैं। ये कुचलाक रेलवे स्टेशन है, चमन पैसेंजर अब यहाँ से अपनी मंजिल की तरफ रवाना होगी। तो आगे का सफ़र हमारा जारी और सारी है, देखते रहें आप लोग वीडियो को आगे भी। अगला स्टेशन हमारा यारो होगा, तो अब हम यारो स्टेशन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं यारो स्टेशन भी। यारो स्टेशन पे हम पहुंच चुके हैं। तो वेदर को जाय कर रहे हैं, बड़ा ही खूबसूरत वेदर है, देख सकते हैं आप लोग। ये ख़ास यारो स्टेशन है। यारो स्टेशन, ये हमारी चमन पैसेंजर ट्रेन खड़ी हुई है, बस का डिपार्चर होने जा रहा है यहाँ से। मौसम बड़ा खुशगवार मौसम है। हाँ, अताउल्ला भाई कैसा सफर है आपका? जबरदस्त, एंजॉय हो रहा है यारो स्टेशन? जबरदस्त, बड़ा एंजॉय हो रहा है। ग्रेट अताउल्ला भाई, बस गाड़ी ने हॉर्न कर दिया अभी हमें। गुलिस्तान रेलवे स्टेशन से अभी हमारी गाड़ी रवाना हो रही है, तो गाड़ी ने विसल भी कर दिया है, देख सकते हैं आप लोग। गुलिस्तान रेलवे स्टेशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और अब यहाँ से हमारी गाड़ी रवाना हो रही है, और अताउल्ला भाई भी बहुत खुश है हमारे साथ। माशाल्लाह, बहुत एंजॉय हो रहा है। ये मंगोलों के सरदार, ये हमारे और हमारे चीफ है, अंकल जी हैं, कराची से आए हुए माशाल्लाह मेहमान है। इनको हम घुमाने फिराने ले जा रहे हैं शीलाबाग रेलवे स्टेशन, बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू अंकल, थैंक यू। दोस्तों, हम किला अब्दुल्ला रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। यहाँ आप स्नो देख सकते हैं, स्नो का खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही प्यारा व्यू है आप लोग। अब हम लोको राइड लेने लगे हैं, यानी कि इंजन की तरफ जा रहे हैं। तो अताउल्ला भाई और हम सब साथ में हैं, हम सब साथ में, बड़ा ही मज़ा आएगा। लोगों की राइड लेने जा रहे हैं किला अब्दुल्ला रेलवे स्टेशन, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है स्नोफॉल का, देख सकते हैं आप लोग। बर्फ़ ही बर्फ़ है, थोड़ी पिघल चुकी है क्योंकि कल पहला दिन था। तो बहुत अच्छा एक
वो था, ये देख सकते हैं। अरे मकाओ है यार। ज़्यादा बर्फ़ है, आप लोग इंजॉय करें, मैं ज़्यादा गुफ्तगु नहीं करूँगा, लेकिन ये आप कुदरत के खूबसूरत मंज़र को इंजॉय करें।
आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। ये कोई स्विट्जरलैंड नहीं, अपना पाकिस्तान, अपना बलूचिस्तान, क्वेटा। मेरी जिंदगी का पहला व्लॉग है और मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। नज़र कुछ नहीं आ रहा। अब हम शीलाबाग रेलवे स्टेशन पे पहुंचने ही वाले हैं। ये शीलाबाग का ब्रिज है, ये सिग्नल सिस्टम है। ये हम इंटर हो चुके हैं प्लेटफार्म की तरफ। नज़र कुछ नहीं आ रहा, लेकिन आगे का हम आपको व्यू दिखाते हैं उतर कर। बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं बाहर गया था कोशिश करी कि बाहर की वीडियो बनाऊं, लेकिन अब मैं वापस अंदर आ रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो हम आखिर अपनी मंजिल शीलाबाग रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, इंतहाई खूबसूरत मंज़र। लोग बर्फ़बारी का मज़ा ले रहे हैं, लोग अपनी सेल्फियां बना रहे हैं। ये देख सकते हैं मेरे बैक साइड पर, ये स्टेशन मास्टर का रूम है। बाकी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये तमाम रेलवे स्टाफ शीलाबाग रेलवे स्टेशन। इधर खड़ा हो रहा है। धीरा धीरा शोर धीरा।
बैग उठा लिए, दूसरा दोनों। यार ये फ्रंट पे जाके इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे? डिपार्चर पे रिकॉर्ड ये ओल्ड मॉडल जो बर्फ से ढका हुआ, ये भी देख सकते हैं आप लोग। अब हम पैदल मार्च करेंगे और एफसी के ऑफिसर मेस की तरफ जाएंगे, जहां हमारा खाने का और टी पार्टी का इंतज़ाम किया गया। तो अल्लाह भाई आ रहे हैं और हमें बोल रहे हैं आ जाओ, आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ। अब हम पैदल मार्च कर रहे हैं टीम के साथ, जो हमारे साथ मेहमान आए हुए हैं। ये देख सकते हैं बादल बहुत करीब है, व्यू आप लोगों को साफ नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये हाल देखें आप, माशाल्लाह कुदरत का खूबसूरत नज़ारा। सड़क ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। आगे की कवरेज इब्राहिम भाई करेंगे। वैसा ये हम रेलवे के ऑफिसर मेस जा रहे हैं, ये इसके एंट्रेंस है। ये शीलाबाग स्टेशन की जो है स्टेशन, कायदे आज़म रेजिडेंसी। ये हम इंटर हो गए। ये ऑफिसर मैस पूरी बर्फ से जो है ना भरा हुआ है। ये ऑफिसर मैस की बिल्डिंग है सामने। ये ऑफिसर मैस की जो है बिल्डिंग की एंट्रेंस है। ये एंट्रेंस आ गई है। ये खोजक 4 रूम बने हुए यहाँ पे। ये टेबल, ये खोजक 4 के नाम से रूम है। खोजक 3। ये चाय का बंदोबस्त हमारे लिए यहाँ पर हुआ है ऑफिसर मेस पे। बाहर बैठ के चाय पीने का अपना ही मजा है। ये नेचुरल क्लिप्स है मेरे इब्राहिम भाई, अतोल्ला भाई और हमारे भाई मेहमान कराची से जो है। आप लोग डेट पर आए, कैंडल्स मिसिंग है। ये हम स्नोमैन बना रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। छोटा सा बनाया लेकिन बड़ा मज़ा आया इसको बनाते हुए। कोजक टनल का नज़ारा देखें, बादल करीब हैं, नज़दीक से नज़र आएगा ये साफ। यहाँ से तो बहुत धुंध नज़र आ रही है। शीलाबाग चलते हैं आप लोगों को। कोजक टनल, बर्फ़बारी का खूबसूरत मंज़र शायद आप लोगों ने 2 साल बाद देखा है ये, और बहुत ही खूबसूरत मंज़र है और बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखें आप लोग व्यू, बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को शीलाबाग। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को इख्तिताम करेंगे।
जो हमारे साथ कराची के मेहमान आए हुए थे उनके साथ मिलके एक कौमी तराना पढ़ेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। हर दिल की